बहुत से बच्चों को कहते सुना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आती, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने बैठ जाओ तो नींद आने लगती है। तो ऐसे बच्चों के लिए आज मैं यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन टिप्स लेके आया हूँ, बस आप उसको समझिए और उस टिप्स को फॉलो करिए। हाँ ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि उसमें कई रिएक्शन मैकेनिज्म और फंक्शनल ग्रुप शामिल हैं, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है। यदि आप शुरू से ही सिस्टमैटिकली रूप से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं और उनकी मूल बातों पर फोकस करते हैं तो समय के साथ चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, जिसमें पहला बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट जैसे हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्डिंग, आईयूपीएसी नेम, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंडक्टिव इफेक्ट जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फाउंडेशन है और रिएक्शन को समझने में मदद करती है, जिससे आपको रिएक्शन रटना नहीं पड़ेगा। टिप्स नंबर सेकेंड, फंक्शनल ग्रुप को समझें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एक्सेट्रा को क्लासिफाई करने के लिए फंक्शनल ग्रुप महत्वपूर्ण है। प्रत्येक फंक्शनल ग्रुप के केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं, पहले उनके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को समझने का प्रयास करें। टिप्स नंबर थर्ड, रिएक्शन मैकेनिज्म को देखें। प्रत्येक रिएक्शन में एक मैकेनिज्म होता है जो स्टेप बाय स्टेप बताता है कि एटम्स को कैसे रीअरेंज किया जाता है, कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है, कैसे एलिमिनेट किया जाता है। यदि हम मैकेनिज्म को समझ लें तो रिएक्शन याद नहीं रखनी पड़ेगी। टिप्स नंबर फोर, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को ट्रैक करें। रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो के पैटर्न को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को एरो के माध्यम से दिखाया जाता है जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और यह स्टेप को लॉजिकल और याद रखने में आसान बनाता है। टिप्स नंबर फाइव, विजुअलाइजेशन एंड ड्राइंग प्रैक्टिस। ऑर्गेनिक कंपाउंड की संरचना की कल्पना और उस पर प्रैक्टिस करना बहुत महत्वपूर्ण है। स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करें और फंक्शनल ग्रुप्स और बॉन्ड्स पर ध्यान केंद्रित करें, उस पर फोकस करें। इससे स्ट्रक्चर अधिक समय तक आपके माइंड में टिकी रहेगी और मॉलिक्यूल्स की कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। टिप्स नंबर सिक्स, पीरियोडिक रिवीजन एंड नोट्स बनाना। समझने के बाद कुछ संक्षिप्त यानी कि कॉन्साइज नोट बनाएं। मेजर पॉइंट और रिएक्शन को समराइज करें, इससे रिवीजन करने में आसानी होगी। मैं जब भी पढ़ाता हूं तो लास्ट में इसी टाइप के कॉन्सेप्ट को यूज करता हूं, जिससे मेरे बच्चे बहुत आसानी से उस चीज़ को समझ जाते हैं और बहुत ही कम समय में उस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। टिप्स नंबर सेवन, प्रैक्टिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन पाथवे और मैकेनिज्म का अभ्यास करना बहुत महत्वपूर्ण है। रेगुलर प्रैक्टिस से स्किल इम्प्रूव होगी। टिप्स नंबर एट, ग्रुप स्टडी और डिस्कशन। कभी कभी अन्य लोगों के साथ कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने से नए दृष्टिकोण मींस पर्सपेक्टिव मिलते हैं और चीज़ें अधिक स्पष्ट और क्लियर हो जाती हैं। आई होप मेरे दिए गए टिप्स से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और नॉलेजबल वीडियो के साथ, जिससे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कोई भी केमिस्ट्री का फील्ड हो आप उसको आसानी से समझ सकें और सीख सकें।